इको नो एसी कूलिंग कॉइल न्यू एसी वायरिंग एसी कंडीशन एंड पुली नट बोल्ट बेल्ट कंप्रेशर पाइप सेट एंड वायरिंग एंड स्विच स्ट्रॉस कंपनी ओके न्यू कंडेंसर एंड फैन ओके बाकी फिटिंग करके तुहानू वीडियो बनाऊंगा भाई ओके कंडेंसर फिट हो गया जी नो कंडीशन यस न्यू कंडीशन आज ही अल्टीमेटर लग गया आ नवी कंडीशन तुम दिख रहा उत्ते अल्टीमेटर टिकाए आप चार बोल्ट लगते एक साइड तो ठीक है नवा कंडीशन न्यू आ कंडीशन लग गया अल्टीमेटर कसता ठीक है जी आ हो गया कंडेंसर कस कूलिंग कॉइल बिंद लग गई है दिखता हूँ तुम बाहर वो देखो देखिए कूलिंग कॉइल नवी फिट हुई वो नवी कूलिंग कॉइल लाई है थर्मिस्टर वगैरह लाना ठीक है जी हूँ मैंने चाहिए इंजन वाली पुली 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 कितने पी आ पी है पुली डबल पुली है ठीक है तो हूँ मैं थले पड़ूंगा पुली सिंगल पुली ओके ओके लग गया जी पुली डबल पुली इन्हें कहते ओके डबल ड्यूअल पुली ठीक है आईसी एंड टाइमिंग बेल्ट अल्टीमीटर आ फिटिंग हो गई जी ओके मैं कंप्रेशर भी कसता बेल्ट ही पै गई कंप्रेशर एसी हो गए सारा फिटिंग ठीक है आ कॉइल लाई से आ कंप्रेसर लाया जी ठीक है पाइपा भी है सेक्शन डिस्चार्ज आ कंडेंसर लाता जी लिक्विड वेब डिस्चार्ज सेक्शन डॉक्टर ला के पर प्रेशर भरया 250 पाउंड प्रेशर ओके जी ठीक है नीचे पाइप आ नीचे क्लंप दो एंड नवी पुली पाती है पुली पाने तो बाद बेल्ट 790 नंबर पाती जी 790 कंपनी ले ये डबल पुली ओके जी हूँ आप करना जी वायरिंग फिटिंग सारी कंप्लीट सारी एसी की वायरिंग है इन्ने सारे वायरिंग पता नहीं कितने कितने लगने पर लाने पैने सानू सारे एसी थ्रू करंट
नवा स्विच एसी ऑन ऑफ तो रिले टाइप ही हमने फिर समान कर लीजिए। ओके बाकी सारे डब्बे खाली बस आ ही रह गए वायरिंग का। ओके जी भाई बाकी तो हो गया सारा फिट। ये जो हमने वायरिंग ने बहुत टाइम लगा भाई हमको, इसलिए ये हमने कर दिया ए सी एम के अंदर वायरिंग का कनेक्शन। ये ए सी एम का ग्रिप है, ये टू नंबर पे एक दो पॉइंट छड़ के का ब्लू ऑरेंज कलर फिर ब्लैक कलर यहाँ पे लगा। ये देख लो ध्यान से केबल लगाने पड़ जाता है। ओके तो आप ये देख ले, बाकी हमसे पूछ सकते हो भाई। ठीक है तो नंबर फोर पे आना, नहीं सॉरी नंबर थ्री पे आना। ये आपको एक ये तार दिखेगा, इसके बाद ये जो डमी है ये गिनती कर लेना, एक दो तीन चार पाँच में नंबर वाइट कलर लगा देना भाई। ठीक है फिर इधर से साइड से देखना आप, इधर साइड से जो फोर नंबर होगा ना उसके उत्ते येलो कलर लाना, येलो एंड ब्लू या फोर थे। ठीक है वो एंड में है भाई ये था। ठीक है तो ये तो वाइट। ठीक है यहाँ से ये हुआ तो मैंने इसके बीच मैंने ये कर दिया हूँ, थिम्बल फंसा चुका हूँ ऑलरेडी। वैसे ये भी आया था, ये कहीं पर लगेगा नहीं। ओके भाई बाकी मैं सारा तैयार करके वीडियो, ये देख लो टाइम सवेर का, मेरा ख्याल से सवेर का 5:30 हो गया है। हो गया ही सारी फिटिंग एसी का, गैस द लेवल ओके, फैन ऑन, फैन ऑन ओके। बाकी थोड़ी मोड़ी मोड़ी फिटिंग करनी फैन की एक्टिंग ओके, कंप्रेसर ऑन रिटर्न ओके। बाकी मैं सारी फिटिंग करके बता रहा हूँ। सागर कार एसी हमारी गाड़ी हो गई है रेडी भाई। ठीक है मैंने ताकि खोल लिया, अब एसी लगा के गाड़ी चलाएंगे रेडी, हम चलाने लगे हैं। एसी दिला एसी लाए नवा, गर्मी अंदर इतनी है। हाँ सही है,